अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल मिल करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक, मैं मुंबई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ह्यूज अटैक ऑन इजराइल और आईज ऑन मजदार शम्स ट्रेंडिंग ट्रंप वॉर ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्शन पर देंगे। कौन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ऑल आईज ऑन मजदार शम्स, ये दुनिया भर में इजराइल ट्रेंड करवाने की कोशिश कर रहा है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल ऑल आईज ऑन मजदार शम। नाउ हुआ यहां पर क्या है कि इजराइल ने जो गोलन हाइट्स का इलाका ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां पर इजराइल के कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, अचानक से अटैक होता है। नाउ मुझको यहां पर ये ऐड करना पड़ेगा कि ये अटैक कहां से हुआ है, ये अभी के लिए क्लियर नहीं है। हिजबुल्ला कह रहा है कि इन लोगों ने ये अटैक नहीं किया, इजराइल का ही एक मिसाइल मेल फंक्शन कर गया और इनके जो नागरिक है उन पे गिर गया। नाउ इजराइल ऑब्वियसली ये कह रहा है कि इनका कोई मिसाइल मेल फंक्शन नहीं किया, ये अटैक किया है हिजबुल्ला ने। और यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल की सरकार का जो ट्विटर हैंडल है, ये यहाँ पर ट्वीट कर रहा है 12 इजरायली बच्चों की हत्या हो गई फॉर प्लेइंग सॉकर, देयर आर नो वर्ड्स। और उसके बाद आप देखोगे सोशल मीडिया पे कई लोग ये जो वर्ड्स हैं ऑल आईज ऑन मजदार शम्स, इसको ट्रेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले जब गाजा पट्टी में जो राफा एरिया है वहां पर इजराइल बॉम्बिंग कर रहा था, तब उस वक्त पैलेस्टिनियंस ने और दुनिया भर में कई लोगों ने ऑल आईज ऑन राफा ट्रेंड करवाया था। तो इजराइल यहां पर दुनिया को कह रहा है कि जब हम पे अटैक होता है तब दुनिया इसको अटेंशन क्यों नहीं दे रही, ये दुनिया भर में ट्रेंड क्यों नहीं किया जा रहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस अटैक पर स्टेटमेंट दी है। ट्रंप ने कहा है कि दिस इज ए मोमेंट इन हिस्ट्री क्रिएटेड बाय बाइडेन एंड हैरिस। और ट्रंप इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि इजराइल और मिडल ईस्ट ये बहुत ज़रा करीब हैं वर्ल्ड वॉर 3 के। ट्रंप ने कहा क्या है इस अटैक के बारे में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। Today's attack on Israel cannot be forgotten and it will go down as another moment in history created by a weak and ineffective United States president and vice president. They wouldn't have done this if I were the president. They wouldn't have done it. Now ट्रंप का देखिए ओपनली ये कहना है कि ये अटैक जो हुआ है इजराइल पे, ये ना हुआ होता अगर ट्रंप प्रेसिडेंट होते। इनका सिंपली एक ही मुद्दा है कि सिंस कमला हैरिस और जो बाइडेन, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक वीक लीडरशिप चलाई है, इस वजह से जो अमेरिकन एलाइज हैं उन पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं। मगर क्वेश्चन यहाँ पर मेन ये है कि क्या ये एक जेन्युइन अटैक था या फिर एक आयरन डोम का फेलियर यहाँ पे हुआ है। नाउ ये अटैक एक्चुअली हुआ कहाँ पे है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आप देख पाओगे, अगेन ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इसराइल। नाउ इसराइल और सीरिया, यहाँ पे आप देख पाओगे सीरिया है, ये इसराइल है, और बीच पे जो ये इलाका है ना, जिसको गूगल मैप्स भी एक डिस्प्यूटेड एरिया की तरह दिखाता है, ये है गोलन हाइट्स। आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा, इसराइल ने इसको कब्जा रखा है। देखो मैं यही बोलूँगा कब्जा रखा है, क्योंकि इंडिया भी गोलन हाइट्स पर इसराइल का कब्जा नहीं मानता। तो इसराइल ने सिंस ये इलाका लंबे समय से कब्जाया है, धीरे धीरे इसराइल के कई नागरिक यहाँ पर बस चुके हैं। नाउ गोलन हाइट्स में एक लोकेशन है मजदार शम्स के नाम से, वहाँ पे एक फुटबॉल फील्ड है, उधर बच्चे खेल रहे थे और अचानक से उस इलाके में अटैक होता है। नाउ हिजबुल्ला का ये कहना है कि ये अटैक इन लोगों ने नहीं किया। हालांकि मुझको यही कहना पड़ेगा कि हिजबुल्ला भी काफ़ी बार ऐसे अटैक्स करके मुकर चुका है। हिजबुल्ला का कह लो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कई बार ऐसा अटैक ये करते हैं, और अटैक अगर मान लो बच्चों पे हो गया, सिविलियंस पे हो गया, तो अटैक को वो डिसोन कर देते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि सिंस इसराइल ने इस पूरे इलाके में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रखा है, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने डिटेक्ट किया हो कि कहीं पर रॉकेट आ रहा है, और उस रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के प्रयास में जो आयरन डोम का मिसाइल है ये गिर गया हो फुटबॉल फील्ड पे। नाउ सिंस ये सब हुआ है गोलन हाइट्स में और यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया आपको ना के बराबर मिलेगा, तो एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है, किसकी वजह से इन बच्चों की मौत हुई थी, ये बात प्रॉपरली दुनिया के सामने नहीं आ रही। बट इसराइल ओपनली ब्लेम कर रहा है हिजबुल्ला को, और नेतन्याहू जो रिसेंटली गए थे यूएसए में फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, उन्होंने भी अपनी विजिट थोड़ी सी कम कर दी है और बहुत ही जल्द वो इसराइल वापस लौट जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि यूएस ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है इसराइल को कि आप अगर लेबनान को अटैक करना चाहते हैं हिजबुल्ला को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो आप कर सकते हैं।
हालांकि जो ये अप्रूवल है ये दिया गया है सीक्रेटली, ऑफिशियली आप अगर देखोगे तो अमेरिकन डिप्लोमेट्स ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल इस बात का डर है कि एक ऑल आउट वॉर ना स्टार्ट हो जाए लेबनान और इसराइल के बीच में। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो हॉरिफिक रॉकेट अटैक हुआ है मजदल शाम्स में, इसकी हम निंदा करते हैं। ना अब देखो प्रॉब्लम यही है, इसराइल की सरकार पे दबाव आएगा अपने खुद के नागरिकों का कि हमारे 12 बच्चे मार दिए हिजबुल्ला ने अटैक में, आप लोगों ने इसके रिस्पांस में कुछ किया नहीं। तो इसराइल ऑब्वियसली लेबनान पर बहुत सारे अटैक्स करने वाला है, कुछ अटैक्स इन्होंने ऑलरेडी लेबनान पे करने स्टार्ट कर दिए हैं और एक ऑल आउट वॉर होने का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। ईरान ने इस सब के बीच में एक स्टेटमेंट ये दी है कि अगर इसराइल ने हिजबुल्ला पे एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दी तो ईरान बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री कर देगा और ईरान फिर से इसराइल को टारगेट करना स्टार्ट कर देगा। और इसराइल भी अपनी तरफ से ये कह रहा है कि मजदाल शाम्स में जो अटैक हुआ है यहाँ पर हिजबुल्ला ने एडवांस्ड ईरानियन मेड रॉकेट्स यूज किए थे, तभी इसराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इन रॉकेट्स को नहीं रोक पाया। तो अगेन देखिए जो एस्केलेशन है ये लगातार बढ़ती जा रही है। इसराइल ने हाल ही में ये भी कहा ऑफिशियली कि ईरान ने सैबोटाज किया था फ्रांस के रेलवे नेटवर्क को अहेड ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि हाल ही में फ्रांस का जो रेलवे नेटवर्क है इसको डिसरप्ट करने की कोशिश करी गई थी, काफी जगह जो केबल्स हैं कट कर दी थी। तो इसराइल कह रहा है कि ये सब भी ईरान बैड ग्रुप्स कर रहे हैं। तो क्लियरली आने वाले समय में आप देखोगे मिडल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। इसराइल अपनी तरफ से तैयार है, ये लोग ऑब्वियसली एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे लेबनान में। क्वेश्चन यही है कि क्या ये लोग गाजा में जो कर रहे हैं और साथ ही साथ लेबनान का ऑपरेशन जहां पर हिजबुल्ला से लड़ना है, ये दोनों चीज़ें इसराइल कर पाएगा या नहीं। तो आने वाले टाइम में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से यहां पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने साइन किया है कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी हमारे एंटीक्स हैं, जो भी एंटीक आइटम्स किसी और कंट्री में हैं, ये वापस भारत में आसानी से आ पाएंगी। तो बताइए ये एग्रीमेंट हमने किस कंट्री के साथ साइन किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, यूके, फ्रांस या फिर जर्मनी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। देखिए लाइफ में सक्सेस हासिल करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, लोग बात करते हैं लक की, लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, बट इन दी एंड द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। बिल्कुल ग्राइंड करना होता है, मेहनत करनी होती है, तभी आप सक्सेस हासिल कर पाते हैं। और इस डिफिकल्ट जर्नी में स्टडी आईक्यू आपके साथ है। देखिए अब से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आप स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एट अ हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन चांस आपका यहाँ पर आता है स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच को ज्वाइन करने का। ये एक यूनिक बैच है जहाँ पे जो लाइव क्लासेस हैं सुबह की जगह शाम को होगी इवनिंग में, ताकि आप ज्यादा सहूलियत से अपना बैच अटेंड कर पाए। तो आपको क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा इवनिंग बैच। इस बैच में देखिए स्टडी आईक्यू ओपनली ये कहता है प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर हो गया, ये सारा पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप में इस कोर्स के अंदर, ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी आईक्यू वांट्स यू टू सक्सीड, आपको यहाँ पर मिलती है लाइव क्लासेस अगेन इवनिंग में, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आपने एक विजन बना रखा है कि मैं एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ एक जेन्युइन अटेम्प्ट दूंगा यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। आप कोई और कोड यूज करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा दुनिया में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं होती, एंड दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली स्टार्ट योर यूपीएससी प्रेपरेशन विद स्टडी आईक्यूज प्रतिज्ञा बैच। ये एक नया बैच है, तो मतलब के सारे चैप्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट किए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी एवरीथिंग इज बींग टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये सही टाइम है इस बैच को ज्वाइन करने का। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी वीडियो खत्म हो गए, वैसा बुरा ही हुआ है ये जो हुआ है ना, 12 बच्चों की जो जान गई है, इस तरह होना नहीं चाहिए। इनकी जगह पे पता नहीं मैं गलत हूँ तो ठीक हूँ, अगर इसराइल की आर्मी मारी जाती वो ठीक होता, ये बच्चे ना मरते।
क्या ये इसराइल ने खुद करवाया है? ये तो वो वाली बात है, यकूब अगर नहीं नहीं दुश्मन है इसीलिए क्योंकि बच्चों का दुश्मन है। लबनान ने जो काम किया है वो बच्चों का दुश्मन है तारा। अब ये 12 मरेंगे तो उधर उनके 100 मरेंगे भी। मैं वो कह रहा हूं बेगुनाह बच्चे जो गाजा में मारे गए वो बच्चे नहीं है। बिल्कुल भाई, वो देखा जाए तो फिर भाई वो भी बच्चे उधर किसी के नगर न। हम तो इन बच्चों को भी अफसोस कर रहे हैं, इनका क्या कसूर है? इन्होंने शुरू करवाया बच्चों का कोई कसूर? ये तो गेम खेल रहे थे, इनको तो पता ही नहीं था। और इन पे अटैक जो हुआ ना ये गलत हुआ है। ये यकीन माने ये गाजा की बिल्कुल उनकी बात ठीक है, ये इजराइल ने खुद करवाया दुनिया को दिखाने के लिए। ये देखो उन्होंने हमारे बच्चों पे अटैक कर दिया है, ये साबित करने के लिए हम भी ये बोल रहे थे उधर भी आयरन डोप था तो एक मिसाइल को वो क्यों डिटेक्ट कर पाया? तो फिर बात ये है फिर के 5000 को डिटेक्ट किया, मिसाइल भी नहीं था या तार क्यों नहीं कर सका? फिर ये भी सवाल है, जो तय थी उनके अंदर से होकर गुजरा है वो 5 लोग बचा लिए, एक को नहीं कर सकी। पहले आयरन मेड जो है रॉकेट जो थे ईरान मेड रॉकेट जो थे वो 99% जो है वो रास्ते में डिटेक्ट हो जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। आज ये ईरान का है और यहाँ पर भाई साहब बोला जा रहा है कि भाई साहब ये जो है वो ईरान मेड है इसलिए हमसे डिटेक्ट नहीं हो पाया। अजीब बात है भाई, 500 दूसरे हो गए ये नहीं होगा, तो ये चीज समझ नहीं आती भाई। बाकी ये है कि भाई ये एक ना चेतावनी है, एक जो है वो कहते ना शैतान को ना छेड़ा गया है ताकि जो वो जंग इस खत्ते में छेड़ा फिर इजराइल ने छेड़ा है। उसका मतलब क्या बनता है कि मैंने जंग नहीं होने देनी? तुमने पूरा बयान ही नहीं सुना भाई, वो जंग चाहती नहीं। उसने ये बोला कि कोई किसी की हिम्मत ना थी जो अमेरिका के लड़ाई पे कोई हाथ उठा जाता, लेकिन वो पहले ये भी तो कमजोर लीडर है, उसने ये बोला है। उसने जो बाइडेन को कमजोर कहा हाँ। लेकिन ये भी तारक उसकी स्टेटमेंट है कि मैं जंग कभी भी ना होने देता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जंग नहीं होने देता। उसने बोला कि भाई इसके दौर में देख रहे तारक जंग हुई हुई यार नहीं हुई, लेकिन ये इजराइल और गाजा भी थे लेकिन जंग नहीं हो रही। अच्छा भाई अब ना अपनी राज रुकता ही का कमेंट सेक्शन में कि भाई अब इससे जंग लंबी छिड़ जाएगी या फिर जो है वो ऐसे मामला रफा दफा हो जाएगा। लबनान ने या हिजबुल्ला ने तो भाई सीधा सीधा बोल दिया कि भाई हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हमने करवाया भी। और सर जो जिस तरह बता रहे कि इनका रिकॉर्ड जो है वो खराब ही है कि पहले भी ये करके जो अगर वो हमलों अटैक जो है वो बच्चों पे हो जाता है या किसी सही जगह पर लग जाए तो बोलते हैं हमने किया, गलत जगह पर लगा तो एक्सक्यूज कर। हाँ तो सेम चीज वैसा इजराइल भी करता है, ये वो अस्पताल पे अटैक कर दे तो भाई कहता है कि इनका अपना ही छूटा है, तो ये भी वो कह रहे हैं इनका अपना लग जाए तो कहते हैं हमने मारा है। आज आप ये लगा हुआ है वो मार नहीं रहे, इनका अपने लगा हुआ है। तो चलो जो भी हुआ है लेकिन ये हुआ गलत है, इससे जो जंग पहले एक खत्ते में थी अब आगे लबनान में भी छिड़ जाएगी। अगर ईरान भी कूद गया इस जंग में तो फिर और लंबी जंग छिड़ जाए भाई। लबनान तो पहले ही भाई साहब दुनिया पूरी दुनिया जंग से मुतासर हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन हाई रेट पे जा वो पीक पे है बिल्कुल। तो भाई आने वाले वक्तों में भाई साहब क्या होगा जरूर बताइएगा, इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बताइएगा भाई साहब इसका जो है आने वाले वक्त में इसका क्या जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ठीक है भाई मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।